क्या एप्पल की से एक गलती की वजह से आईफोन 16 प्लस एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो सकता है। तो जुलाई के बाद आता है सितंबर, जिसमें लॉन्च होता है हमारे हवाबाजों का फेवरेट फोन आईफोन, क्योंकि भाई सावन के महीने में खराब काम नहीं किए जाते। तो आईफोन 16 प्लस के स्पेक्स में इंक्रीमेंट के साथ साथ कुछ डिक्रीमेंट्स भी किए गए हैं। चलिए सिर पर प्लस वाली टोपी लगाकर हम भी करते हैं उन इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स की जांच। तो हाँ जी मित्रों, iPhone 16 Plus में हमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ अच्छी और बड़ी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अरे नहीं यार, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं, वो फोन्स में थोड़ी होता है, मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले साइज की। तो iPhone 16 Plus में हमें मिलेगा 6.7 इंच का एक OLED डिस्प्ले विद 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ, अब उल्टी सीधी वीडियोज मत देखने वरना जाके कहीं तेरी सर्च हिस्ट्री चेक हो गई तो पता नहीं कैसी कैसी वीडियोज मिलेंगी। अरे चिंता मत करो, मस्त मस्त मिलेंगी। अरे नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। चल ज़्यादा टाइम पास मत कर, आगे बता। थैंक यू भैया दिलाने के लिए, मैं तो भूल ही गया था। तो iPhone 16 Plus में भी हमें मिलने वाला है एक्शन बटन, तो इसे यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड रूमर्स की माने तो इसमें भी हमें मिलेगा कैप्चर बटन, जिससे यूज़ करके हम फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हैं। तो इंतज़ार करो, अगर मिल गया तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, एंड नहीं मिला तो फिर एप्पल भैया का धन्यवाद। एंड बैक की बात करें तो बैक से iPhone 16 Plus कुछ ऐसा दिखता है, मतलब iPhone 16 की तरह ही दिखता है, बट साइज़ थोड़ी बड़ी है इसकी। एंड इसमें भी हमें बैक में डुअल वर्टिकल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, तो फोटोज काफी अच्छे आ जाएंगे iPhone 16 Plus से भी। एंड कलर्स की बात की जाए तो iPhone 16 Plus भी हमें काफी कलर वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन 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 ये तो हो गई अच्छी चीजें, और हर अच्छी चीज के साथ आती है खराब चीजें, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अब खराब चीजों की बात करें जो एप्पल ने iPhone 16 Plus के साथ किया है, वो है इसकी बैटरी में रिडक्शन। मतलब हर फोन की बैटरी को इंक्रीमेंट दिया जाता है, बट इस फोन की बैटरी को iPhone 15 Plus से रिड्यूस कर दिया गया। मतलब iPhone 15 Plus में iPhone 16 Plus से ज्यादा बैटरी थी, तो ये एक खराब बात है एंड ये काफी चर्चा में है। लेकिन ये तो बता दे इसका रीजन क्या है। रीजन भी जानना चाहते हो? अच्छा चलो बता देता हूँ। तो रीजन ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि इसकी बैटरी iPhone 16 Pro Max के लेवल पे ना पहुंच जाए, इसलिए इसमें हमें दिया गया एक बैटरी रिडक्शन, जिससे iPhone 16 Pro Max की सेल्स में कमी ना आए। तो कहीं ना कहीं एप्पल भी सही है अपनी जगह, क्योंकि दोनों के प्राइस की डिफरेंशिएशन को देखते हुए दोनों में बैटरी डिफरेंशिएशन भी होना जरूरी था। लेकिन जब बैटरी डिफरेंशिएशन करना ही था तो iPhone 15 Plus में क्यों इतना बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन फिर से वही आता है कि क्या एप्पल की इस गलती की वजह से iPhone 16 Plus एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अगर बैटरी साइज को घटाया गया है तो इसमें डिस्प्ले साइज को बढ़ाया गया है, जो कि कर दिया गया 6.7 इंच, एंड इसमें चिपसेट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है हमें A18, तो अपग्रेड्स भी काफ़ी दिए गए हैं एंड एक रिडक्शन किया गया है। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि कोई बहुत बड़ी फेलियर साबित होगा। हो सकता है सेल्स कुछ कम रहें, लेकिन फेलियर तो नहीं कह सकते। तो मेरे ओपिनियन की बात करें iPhone 16 Plus पे, तो मेरे ओपिनियंस एंड रिव्यूज़ काफ़ी मिक्स्ड हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी रिडक्शन खराब। तो कह सकते हैं ये ठीक ठाक फ़ोन है, बट मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे बजट का नहीं है। सो अगर आपका बजट थोड़ा लेस है, मुझसे भी लेस, एंड आप लेस डिस्प्ले साइज एंड लेस बैटरी साइज में काम चला सकते हैं, तो यू कैन लुक फॉर iPhone 16। हाँ, ये सामने वाली वीडियो देखो, उसमें एक्सप्लेन है। iPhone 15 Pro Max के बारे में भी जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो आने वाली है, चैनल पे देख लेना।